हेलो एवरीवन, आई एम आराधना। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का फिफ्थ चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। एसिड्स का मतलब होता है अम्ल, ठीक है, और बेसिस का मतलब होता है क्षार, और सॉल्ट यानी कि लवण जो होते हैं, ठीक है। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वी यूज इन अवर डेली लाइफ अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंसेस सच एज लेमन, टमरिंड, कॉमन सॉल्ट, शुगर एंड विनेगर। तो हम हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ों का यूज करते हैं, जैसे कि नींबू है, इमली है, और हमारा नमक हो गया, कॉमन सॉल्ट, चीनी है, और विनेगर सॉल्यूशन जो होता है सिरका। डू दे हैव द सेम टेस्ट? तो क्या इन सभी का टेस्ट सेम है? नहीं है ना। लेमन जो होता है वो खट्टा होता है, इमली भी खट्टी होती है, और शुगर मीठा होता है ना। लेट अस रिकॉल टेस्टर्स ऑफ सम एडिबल सब्सटेंसेस लिस्टेड इन टेबल 5.1। तो 5.1 में जो टेबल दी गई है उसमें क्या करना है, हमें टेस्ट बताना है सब्सटेंसेस का। इफ यू हैव नॉट टेस्टेड एनी ऑफ दीज सब्सटेंसेस, टेस्ट इट नाउ एंड एंटर द रिजल्ट इन टेबल 5.1। अगर आपने इन चीजों को टेस्ट नहीं किया है तो उसको टेस्ट कीजिए, और अपना जो आपने आपने आपकी जो ऑब्जर्वेशन है उसको आप यहाँ पे नोट करेंगे। कॉशन दिया है टेस्ट करने से पहले, डू नॉट टेस्ट एनीथिंग अनलेस ask to do so। अगर आपको करने के लिए किसी भी वस्तु को या किसी भी चीज़ को टेस्ट करने के लिए नहीं कहा जाए तब तक आप उसको टेस्ट नहीं करेंगे। डू नॉट टच एनीथिंग अनलेस ask to do so। और जब तक आपको किसी चीज़ को छूने के लिए नहीं कहा जाए आप उसको छुएंगे भी नहीं। तो देखिए टेबल दी गई है, एक साइड में आपको दिया है सब्सटेंसेस यानी कि कोई भी पदार्थ, ठीक है, और दूसरे कॉलम में आपको दिया है उसका टेस्ट, आपको बताना है कि वो कैसा टेस्ट का है। सोर यानी कि खट्टा, सोर का मतलब होता है खट्टा, बिटर का मतलब होता है कड़वा, या कोई उसका दूसरा ही टेस्ट है। तो यहाँ पे आपको बताना है लेमन जूस का कैसा टेस्ट है, ठीक है, लेमन जूस तो खट्टा होता है सोर। ऑरेंज जूस का कैसा टेस्ट है, विनेगर का कैसा टेस्ट है, कर्ड का कैसा टेस्ट है, आप यहाँ पे सबका टेस्ट मेंशन करेंगे। तो जब आप ये टेबल पूरी करेंगे आपको पता चलेगा कि कुछ चीज़ें जो होती हैं स्वाद में कैसी होती है, खट्टी होती है, सोर होती है, और कुछ चीज़ें स्वाद में कड़वी होती हैं, और किसी का तो टेस्ट हमें पता नहीं चलता है ना, बता नहीं सकते हम किसी का टेस्ट। तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों होता है। यू फाइंड दैट सम ऑफ दीज सब्सटेंसेस टेस्ट सोर। तो हमें पता चला कि कुछ जो सब्सटेंसेस है, कुछ चीजें कैसी होती है स्वाद में, खट्टी होती है, सम टेस्ट बिटर, और कुछ कड़वी होती है, सम टेस्ट स्वीट, और कुछ मीठी होती है, एंड सम टेस्ट सॉल्टी, और कुछ नमकीन होती है। अब हम पढ़ेंगे एसिड्स एंड बेसिस, अम्ल और क्षार, ठीक है। कर्ड, लेमन जूस, ऑरेंज जूस एंड विनेगर टेस्ट सोर। तो जो कर्ड है यानी कि दही, और लेमन जूस है जो हमारा ऑरेंज जूस है, और विनेगर सॉल्ट जो होता है कैसा होता है, स्वाद में खट्टा होता है। These substances taste sour because they contain acid। और ये जो पदार्थ है ये स्वाद में खट्टे होते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है, एसिड्स होते हैं, यानी कि एसिड्स की वजह से कोई भी पदार्थ या कोई भी चीज हमें खट्टी लगती है, ठीक है। द केमिकल नेचर ऑफ सच सब्सटेंसेज इज एसिडिक। तो ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उनका केमिकल नेचर कैसा हो गया, एसिडिक, ठीक है। द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसियर विच मीन सोर। तो जो एसिड वर्ड है वो एक लैटिन शब्द से उसकी उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ होता है, लैटिन शब्द एसियर से इसकी उत्पत्ति हुई है जिसका अर्थ होता है सोर यानी कि खट्टा। द एसिड्स इन दीज सब्सटेंसेज आर नेचुरल एसिड। और ये यहाँ पर जिनमें जो एसिड प्रेजेंट है ना, जो लेमन जूस है, ऑरेंज जूस है, इनमें जो भी एसिड प्रेजेंट है वो कैसे एसिड है, नेचुरल एसिड, ठीक है। चलिए व्हाट अबाउट बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा आपने देखा होगा जो हम किचन में यूज करते हैं खाना बनाने के लिए, है ना। डज इट ऑल्सो टेस्ट सोर। तो क्या इसका भी टेस्ट खट्टा होता है, इफ नॉट, अगर नहीं होता, व्हाट इज इट्स टेस्ट, इसका टेस्ट कैसा होता है बताना आपको। सिंस इट डज नॉट टेस्ट सोर इट मीन्स दैट इट डज नॉट हैज नो एसिड इन इट। तो अगर इसका स्वाद तो हमने टेस्ट करके देखा ये तो खट्टा नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एसिड नहीं है, खट्टी चीजों में एसिड्स होता है, ठीक है। इट इज बिटर इन टेस्ट, बिटर का मतलब होता है कड़वा। तो ये कैसा है टेस्ट में, बिटर है, कड़वा है। इफ यू रब इट इट्स सॉल्यूशन बिटवीन फिंगर्स। तो अगर आप इसके जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन कैसे बनता है, पानी में मिला के, है ना, तो जब आप इसके सॉल्यूशन को अपनी फिंगर्स उंगलियों में रगड़ेंगे इट फील सोपी, तो आपको कैसा लगेगा, साबुन जैसा लगेगा। सब्सटेंसेस लाइक दीज विच आर बिटर इन टेस्ट एंड फील सोपी ऑन टचिंग आर नोन एज बेसिस। तो ऐसे पदार्थ
जो स्वाद में कैसे होता है, बिटर यानी कि कड़वे होते हैं, और जब हम उनको टच करेंगे, जब हम उनको छुएंगे तो ऐसा लगेगा कि साबुन है, ठीक है, साबुन जैसे लगेंगे। तो उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं बेसिस यानी कि क्षार। द नेचर ऑफ सब सब्सटेंसेस इज सेड टू बी बेसिक। और ऐसे पदार्थों का नेचर कैसा होता है, इनकी प्रकृति कैसी होती है, बेसिक नेचर के होते हैं ऐसे सब्सटेंसेस, ठीक है। जैसे हमारा बेकिंग सोडा, इसका नेचर क्या है, बेसिक नेचर का है। और हमारा जो लेमन जूस है, इसका नेचर क्या है, एसिडिक, ठीक है। इफ वी कैन नॉट टेस्ट एवरी सब्सटेंस, हाउ डू वी फाइंड इट्स नेचर। तो हमें पता है कि हर चीज को हम टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकती है ना, हमें बीमार भी कर सकती है। तो फिर हम इनका नेचर कैसे पता करेंगे हर चीज का। फिश तो कैसे पता करेंगे, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंसेस आर यूज टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। तो कुछ स्पेशल यानी विशेष प्रकार के पदार्थ उपयोग में लाए जाते हैं किसी भी पदार्थ की प्रकृति जानने के लिए कि क्या ये एसिडिक है या फिर बेसिक है। दीज सब्सटेंसेस आर नोन एज इंडिकेटर्स। तो उन सब्सटेंसेस को क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं, सूचक कहते हैं, ठीक है। यानी कि सूचक क्या हुए, इंडिकेटर्स क्या हुए, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका यूज हम क्या जानने के लिए कर रहे हैं, किसी दूसरे सब्सटेंस की का नेचर जानने के लिए कर रहे हैं कि क्या वो सब्सटेंस एसिडिक है या फिर वो बेसिक है। द इंडिकेटर्स चेंज देयर कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन कंटेनिंग एन एसिडिक और अ बेसिक सब्सटेंस। तो इंडिकेटर्स क्या करेंगे, ये इंडिकेटर्स जो होते हैं, अगर एसिडिक या बेसिक सॉल्यूशन में डाले जाएंगे तो इनका कलर चेंज हो जाता है, ठीक है। जैसे टर्मेरिक, लिटमस, चाइना रोज पेटल यानी कि गुड़हल एक्सेट्रा आर सम ऑफ द नेचुरली अकरिंग इंडिकेटर्स। तो कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, क्या क्या है वो, टर्मेरिक यानी कि हमारी जो हल्दी होती है, और लिटमस होता है चाइना रोज यानी कि गुड़हल जो होता है, उसका यूज हम नेचुरल इंडिकेटर्स की तरह कर सकते हैं, करते हैं। यहाँ पर एक चार्ट बनाया है, डू यू नो, क्या आप जानते हैं। तो अलग अलग चीजों में अलग अलग एसिड्स होते हैं ना, तो किस चीज में या किस पदार्थ में कौन सा एसिड होता है वो हमें यहाँ पे बताया गया है। नेम ऑफ एसिड, जैसे पहला क्या है, एसिटिक एसिड, वो किस में पाया जाता है, विनेगर में, सिरका, ठीक है। फॉर्मिक एसिड, आंट स्टिंग, चींटी का जो डंक होता है उसमें कौन सा एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब। सिट्रिक एसिड, अब सिट्रिक एसिड किसमें होता है, सिट्रस फ्रूट सच एज ओरेंजेस, लेमन एक्सेट्रा, यानी कि जो खट्टे फल होते हैं ना उस सब में सिट्रिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड हमारा होता है दही में, कर्ड में। ऑक्सैलिक एसिड, स्पिनिच यानी कि पालक में। एस्कॉर्बिक एसिड यानी कि वाइटामिन सी जो होता है, एस्कॉर्बिक एसिड को वाइटामिन सी भी कहते हैं, ठीक है। एस्कॉर्बिक एसिड हमारा होता है आंवला या सिट्रस फ्रूट में, जो खट्टे फल होते हैं उनमें होता है। टार्टरिक एसिड होता है टैमारिंड यानी कि इमली में, ग्रेप्स में, और अनराइप मैंगोज यानी कि जो कच्चे आम होते हैं उनमें होता है टार्टरिक एसिड। ये जो ऊपर मेंशन किए गए हैं ये सारे हैं नेचुरल एसिड, ठीक है। ऑल द एसिड्स मेंशन अबव अकर इन नेचर यानी कि ये नेचर में होते हैं। नेम्ड और बेस, अब कुछ बेसिस दिए गए हैं, वो कौन से बेसिस किस किस में होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लाइम वाटर यानी कि चूने का जो पानी होता है उसमें कौन सा बेस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड, विंडो क्लीनर हम यूज करते हैं ना साफ खिड़कियां साफ करने के लिए, उसमें होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है हमारे सोप में, साबुन में। फिर आता है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है हमारे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में। अब पूछो कह रहा है, कैन आई टेस्ट ऑल सब्सटेंसेस टू फाइंड देयर टेस्ट। तो क्या मैं हर किसी पदार्थ को, सभी पदार्थों को टेस्ट कर सकता हूँ उनका स्वाद बताने के लिए। अब पहली कह रही है नो, हैव यू नॉट रीड द क्वेश्चन, नहीं, क्या तुमने चेतावनियां नहीं पढ़ी। वी शुड नॉट टेस्ट अननोन सब्सटेंसेस, दे कुड हार्म अस। तो हमें किसी भी अननोन सब्सटेंस को टेस्ट नहीं करना चाहिए जिसके बारे में हमें पता नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए क्या हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं, वो हमें बीमार भी कर सकते हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में। हमने पहले पढ़ा कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जिनका यूज हम किसी भी सब्सटेंस का नेचर जानने के लिए कर रहे हैं कि क्या वो सब्सटेंस एसिडिक है या फिर वो बेसिक है। और कैसे पता लगता है, क्योंकि जो इंडिकेटर्स होते हैं, जो जब वो अलग अलग सब्सटेंस में या अलग अलग जो पदार्थ है उनके सॉल्यूशन में डाले जाते हैं तो इंडिकेटर्स का कलर चेंज हो जाता है।
नेचुरल इंडिकेटर्स अराउंड अस, हमारे चारों ओर के नेचुरल इंडिकेटर्स। तो पहला हम पढ़ेंगे लिटमस, अ नेचुरल डाई, ठीक है, प्राकृतिक रंग। द मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर इज लिटमस। तो लिटमस जो है कॉमनली यूज किया जाता है, इनकी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ये। इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन्स, ये क्या कहाँ से मिलता है, लाइकेन्स, कुछ छोटे छोटे पौधे होते हैं लाइकेन्स, उनसे हमें मिलता है। इट हैज अ मॉव यानी कि पर्पल कलर इन डिस्टिल वाटर। तो डिस्टिल वाटर जो होता है उसमें इसका कलर कैसा होता है, पर्पल होता है। डिस्टिल वाटर क्या होता है, डिस्टिल वाटर का मतलब होता है जिसमें कोई भी मिनरल नहीं होता है। व्हेन एडेड टू एन एसिडिक सॉल्यूशन, तो जब ये लिटमस सॉल्यूशन होता है ना, जब हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे, इट टर्न्स रेड, एंड व्हेन एडेड टू बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स ब्लू। तो लिटमस को जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और जब हम इसको बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तब इसका कलर हो जाएगा ब्लू, नीला। इट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ अ सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन के फॉर्म में भी हमें ये मिल सकता है लिटमस, और इन द फॉर्म ऑफ स्ट्राइप्स और पेपर, और लिटमस पेपर या पट्टी के फॉर्म में भी हमें मिलता है, नोन एज लिटमस पेपर, जिसको हम क्या कहते हैं, लिटमस पेपर कहते हैं। आपने देखा भी होगा लेबोरेटरी में, जनरली इट इज अवेलेबल एज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। और ये जो लिटमस होता है, लिटमस पेपर होता है, दो फॉर्म्स में मिलता है। कौन से फॉर्म्स में, एक होता हमारा तो रेड लिटमस पेपर, दूसरा हो गया हमारा ब्लू लिटमस पेपर, ठीक है। तो चलिए जानते हैं हम लिटमस पेपर की हेल्प से कैसे पता करेंगे कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है रेड लिटमस पेपर और नीचे है ब्लू लिटमस पेपर, और ये जो है ये है लाइकेन, छोटे छोटे पौधे, इनसे क्या बनाया जाता है, लिटमस बनाया जाता है। एक्टिविटी 5.1, तो देखिए अब हम कैसे पता करेंगे कोई सब्सटेंस एसिडिक है या फिर बेसिक है। मिक्स सम वाटर विथ लेमन जूस इन अ प्लास्टिक कप, टम्बलर, टेस्ट ट्यूब। तो आप कुछ भी ले सकते हैं तीनों में से, प्लास्टिक का कप, टम्बलर, ग्लास जैसा, और या फिर टेस्ट ट्यूब, कुछ भी ले सकते हैं। आपको क्या करना है, थोड़ा सा पानी लेना है और उस पर लेमन जूस मिला देना है थोड़ा सा, ठीक है। पुट अ ड्रॉप ऑफ अवब सोल्यूशन ऑन अ स्ट्रिप ऑफ अ रेड लिटमस पेपर विद द हेल्प ऑफ अ ड्रॉपर। हमें क्या करना है, हमें कुछ बूंदें इस सॉल्यूशन की किस पर डाल देनी है, रेड लिटमस पेपर में डाल देनी है ड्रॉपर की हेल्प से। इज देयर एनी चेंज इन कलर, तो क्या कोई चेंज हुआ, रिपीट द सेम एक्सरसाइज विद द ब्लू लिटमस पेपर। फिर हम क्या करेंगे, तो जब हमने पहले रेड लिटमस पेपर पर किया तो उस पर तो कोई चेंज नहीं हुआ होगा, ठीक है। फिर जब हम ब्लू लिटमस पेपर पर करेंगे, नोट डाउन दी इफ देयर इज एनी चेंज इन कलर, फिर आप नोट कीजिए कि क्या कोई कलर चेंज हुआ। परफॉर्म द सेम एक्टिविटी विद द फॉलोइंग सब्सटेंसेज, आपको ये जो एक्टिविटी है, ये जो नीचे सब्सटेंसेज ये हैं, इनके साथ भी करनी है। जैसे क्या क्या, टॉप टैप वाटर हो गया हमारा, डिटर्जेंट सॉल्यूशन हो गया यानी कि जो झाग वाला पानी होता है साबुन का, एरिएटेड ड्रिंक हो गए जैसे जो हमारे कोक वगैरह होते हैं, सोप सॉल्यूशन, शैम्पू, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, बेकिंग सोडा, आप इनके साथ ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। लाइम वाटर मतलब चूने का पानी, इफ पॉसिबल मेक सॉल्यूशन इन डिस्टिल वाटर, अगर पॉसिबल है तो डिस्टिल वाटर में सॉल्यूशन बनाइए, रिकॉर्ड योर, वरना आपका जो नॉर्मल वाटर होता है वो भी चलेगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एज इन टेबल 5.2, आपकी ऑब्जर्वेशन है वो आप लिखेंगे 5.2। इन योर टेबल आर देर एनी सब्सटेंसेज इन विच लिटमस हैज नो इफेक्ट, तो क्या टेबल में कोई, तो जो आपने एक्सपेरिमेंट किया था उसमें आपने कुछ ऐसे सब्सटेंसेज भी देखे जिसने लिटमस के कलर को कोई चेंज नहीं किया, नेम दो सब्सटेंसेज, उनके नाम लिखने हैं आपको। द सॉल्यूशन विच डू नॉट चेंज द कलर ऑफ आइदर रेड और ब्लू लिटमस आर नोन एज न्यूट्रल सॉल्यूशन, तो ऐसे सॉल्यूशन जो क्या करते हैं, लिटमस जो पेपर है उसके रंग को ना ही रेड करते हैं ना ही ब्लू करते हैं, यानी कि चेंज नहीं करते हैं, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो ऊपर जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे जो एसिड्स होते हैं वो ब्लू लिटमस को करते हैं लाल, ठीक है, एसिड जो ब्लू लिटमस होते हैं उसको कैसा कर देते हैं, ब्लू को लाल कर देते हैं, रेड कर देते, और जो बेसिस होते हैं वो लाल को कर देंगे ब्लू। और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी होते हैं जो क्या करते हैं, जो लिटमस पेपर के कलर को कोई चेंज नहीं करते, उस पर कोई, उसके कलर पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस या फिर न्यूट्रल सॉल्यूशन, ठीक है। दीज सब्सटेंसेस आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक,
तो ये जो सॉल्यूशन या फिर सब्सटेंसेस है वो ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है। अब लाइम वाटर कैसे बनाना है, डिजोल्व सम लाइम यानी कि चूना इन वाटर इन अ बॉटल। आपको क्या करना है, एक बॉटल में पानी लेना है और उस पर थोड़ा सा चूना मिला लेना है। फिर द सॉल्यूशन एंड कीप इट अप फॉर सम टाइम और उसको अच्छे से हिला के थोड़ी देर के लिए उसको रख दीजिए। पोर अ लिटिल फ्रॉम द टॉप और थोड़ा सा ऊपर से गिरा दीजिए, दिस इज लाइम वाटर। तो आपको इस तरह मिल जाएगा लाइम वाटर। उसके बाद है एक्टिविटी 5.2। अब पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, लिटमस के बारे में। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें एक नए इंडिकेटर के बारे में जो कि है टर्मेरिक यानी कि हल्दी। टेक अ टेबल स्पून फुल ऑफ टर्मेरिक, आपको एक चम्मच भर के क्या लेना है, हल्दी लेनी है, हल्दी का पाउडर लेना है आपको। एड अ लिटिल वाटर एंड मेक अ पेस्ट और उसका पेस्ट बना लेना है। मेक टर्मेरिक पेपर बाय डिपॉजिटिंग टर्मेरिक पेस्ट ऑन ब्लॉटिंग पेपर या फिर फिल्टर पेपर एंड ड्राइंग इट। आपको क्या करना है, ब्लॉटिंग पेपर या फिर फिल्टर पेपर या कोई भी A4 शीट भी आप से ले सकते हैं, उस पर उस पेस्ट को लगा लेना है। कट थिन स्ट्राइप्स ऑफ येलो पेपर ऑब्टेन, ठीक है। फिर आपको पतली पतली काट लेनी है स्ट्रिप्स उसकी। पुट अ ड्रॉप ऑफ सोप सोल्यूशन ऑन द स्ट्रिप ऑफ टर्मेरिक पेपर और फिर टर्मेरिक पेपर की जो पट्टी आपने निकाली थी उस पर आप क्या डालेंगे, जो साबुन का सॉल्यूशन आपने बनाया होगा उसकी एक ड्रॉप डालेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो आपको क्या आपने आप क्या देखेंगे उस पे? तो देखिए क्या होता है, जब हम हल्दी में ना कोई सोपी सॉल्यूशन मिलाते हैं या हल्दी की जो पट्टी पर हमने कोई सोप या कोई बेसिक नेचर का कोई भी सॉल्यूशन मिलाया तो जो हल्दी होती है वो रेड कलर की हो जाती है। हल्दी का कलर कैसा हो जाता है, रेड कलर का हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक बॉक्स है, यू कैन प्रिपेयर अ कार्ड फॉर योर मदर ऑन हर बर्थडे। आप अपनी अपनी मम्मी के लिए उनके बर्थडे पर एक कार्ड बना सकते हैं। अप्लाई टर्मेरिक पेस्ट ऑन अ शीट ऑफ प्लेन वाइट पेपर एंड ड्राई इट। आपको एक प्लेन वाइट पेज लेना है, उसके बाद हल्दी का पेस्ट उस पर लगा लेना है, ठीक है, उस पर फैला के लगा लेना है। ड्रॉ ब्यूटिफुल फ्लावर विथ सोप। अब साबुन का जो सोल्यूशन होगा, साबुन का जो घोल होगा उससे आप अच्छा सा एक फ्लावर बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ कॉटन बड। कॉटन बड की हेल्प से बनाएंगे, यू विल गेट अ ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड। तो इस तरह से आपको एक सुंदर सा ग्रीटिंग कार्ड मिल जाएगा। सिमिलरली टेस्ट द सॉल्यूशन लिस्टेड इन टेबल 5.3 एंड नोट डाउन योर ऑब्जर्वेशन। यू मे ट्राई सॉल्यूशन ऑफ द अदर सब्सटेंसेस। आपको यही एक्टिविटी और सब्सटेंसेस के साथ भी करनी है। तो हल्दी जब हल्दी में या हल्दी लगे हुए कोई भी पट्टी या स्ट्रिप में हम क्या करते हैं, कोई बेसिक सॉल्यूशन मिलाते हैं या बेस डालते हैं तो हल्दी का कलर रेड हो जाता है, ठीक है। वहाँ पर कैसा कलर हो जाएगा, रेड कलर हो जाएगा। लेकिन अगर हमने जो सोपी सॉल्यूशन था यानी कि जो बेसिक नेचर का कोई भी सॉल्यूशन हम लेंगे उसके बदले हम एसिडिक नेचर का सॉल्यूशन लेंगे तो हल्दी के रंग पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उसका रंग जो है पहले की तरह पीला ही रहेगा, ठीक है। चलिए चाइना रोज एज इंडिकेटर। अब चाइना रोज यानी कि गुड़हल के बारे में हम पढ़ेंगे कि कैसे हम एज ए इंडिकेटर इसका यूज कर सकते हैं। कलेक्ट सम चाइना रोज यानी कि गुड़हल पेटल्स, पेटल्स का मतलब होता है पंखुड़िया, एंड प्लेस देम इन अ बीकर, बीकर में आपको रख लेना है। एट सम उसके बाद क्या करना है, एड सम वार्म वाटर, उसके बाद आप उस पर गर्म पानी मिला लेंगे। कीप द मिक्सचर फॉर सम टाइम टिल वाटर बिकम्स कलर। तो मिक्सचर को उस टाइम के लिए रख दीजिए जब तक कि पानी जो है थोड़ा सा कलर ना दे, ठीक है। यूज द कलर्ड वाटर एज एन इंडिकेटर, फिर उस कलर्ड वाटर का आप एज ए इंडिकेटर यूज कर एज एन इंडिकेटर आप यूज कर सकते हैं। एड 5 ड्रॉप्स ऑफ इंडिकेटर टू ईच ऑफ द सॉल्यूशन गिवन इन टेबल 5.4। आपको क्या करना है, 5-5 बूंदें इंडिकेटर की डालनी है हर सॉल्यूशन में जो 5.4 में आपको सॉल्यूशन दी गई है, यहाँ पे दी गई है ना 5.4, ठीक है। तो शैम्पू में आप डालेंगे, शैम्पू का रंग पहले कैसा था, बाद में कैसा है। लेमन जूस में आप डालेंगे तो पहले कैसा कलर था, बाद में कैसा आया जब हमने वो इंडिकेटर डाला। सोडा वाटर में डालेंगे तो कैसा आएगा, और क्या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो फिर कैसा आएगा, वेनेगर सॉल्यूशन में डालेंगे तो कैसा आएगा। तो जो ये गुड़हल होता है
देखो ये इंडिकेटर है ना, इसका कलर पहले हमें पिंक मिलेगा, ठीक है। अब इंडिकेटर को जब हम एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये बिल्कुल पिंक, बहुत ज्यादा डार्क पिंक हो जाएगा, और जब हम इसको किस में डालेंगे, बेसिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो ये ग्रीन कलर देगा, ठीक है। तो बेसिक सॉल्यूशन में ये देगा ग्रीन कलर और एसिडिक सॉल्यूशन में देगा ये बिल्कुल बहुत ज्यादा डार्क पिंक कलर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लेमन जूस में कैसा कलर आया। लेमन जूस हमें पता है कि ये एसिडिक नेचर का होता है, लेकिन आपको करके देखना है, ये एक्टिविटी आपको करके देखना। हाँ, उसके बाद है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द इंडिकेटर ऑन एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन। तो जो इंडिकेटर है उसका एसिडिक बेसिक और न्यूट्रल सॉल्यूशन पर क्या प्रभाव पड़ा। चाइना रोज इंडिकेटर टर्न्स एसिडिक सॉल्यूशन डार्क पिंक। तो जो चाइना रोज का जो इंडिकेटर है हमने बनाया, जो वो क्या करता है, जो एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं उसको डार्क पिंक, मैजेंटा कहते हैं ना उसको, वो उस कलर में चेंज कर देता है, और बेसिक सॉल्यूशन को कर देगा वो ग्रीन। तो जैसे ऊपर ये टेबल दी गई है, शैम्पू, शैम्पू हमें पता है ये बेसिक नेचर का होता है, तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, जब हम चाइना रोज का इंडिकेटर डालेंगे तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, और लेमन जूस एसिडिक नेचर का होता है, और जब हम इस पर क्या डालेंगे, इंडिकेटर डालेंगे गुड़ हल्का, तब इसका कलर कैसा हो जाएगा, डार्क पिंक हो जाएगा। ऐसी एक्टिविटी आपको पूरी करनी है। चलिए उसके बाद क्या है, पूछो पूछो कह रहा है कि आई एम नॉट गेटिंग द सेम रिजल्ट व्हेन यूजिंग सॉलिड बेकिंग सोडा ऑन ड्राई लिटमस पेपर, व्हाई। पूछो कह रहा है कि जब मैं सॉलिड बेकिंग सोडा का यूज कर रहा हूँ, यानी कि ठोस जो है उसका यूज कर रहा हूँ लिटमस पेपर पर, तो मुझे जो है रिजल्ट क्यों नहीं मिल रहा है, यानी कि मेरा एक्सपेरिमेंट काम क्यों नहीं कर रहा, वर्क क्यों नहीं कर रहा, जो एक्टिविटी है वो क्यों नहीं कम्प्लीट हो पा रही है। मेक अ सोल्यूशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड देन ट्राई। आप पूछो, पहली उसको कहती है कि बेकिंग सोडा का तुम सोल्यूशन बना लो, यानी कि उस पर थोड़ा पानी डाल लो, फिर देखो कि एक्टिविटी होती है या नहीं होती है, जो रिएक्शन है वो होती है या नहीं होती है। पहली ब्रॉट द फॉलोइंग पहेली फॉर यू। अब पहेली ने आपके लिए एक पहेली लिखी है, देखिए क्या है पहेली, ये आपको घर पे करनी है। कॉफी इज ब्राउन, कॉफी जो है वो ब्राउन कलर की होती है एंड बिटर इन टेस्ट, और इसका टेस्ट कैसा होता है, सभी ने टेस्ट करी होगी, कॉफी कड़वी होती है। इज इट एन एसिड, तो क्या एक एसिड है, और अ बेस, तो क्या एक बेस है। डोंट गिव द आंसर विदाउट एनी टेस्ट, तो बिना टेस्ट किए हुए, टेस्ट नहीं टेस्ट, ठीक है, बिना टेस्ट किए हुए। अब टेस्ट किससे करेंगे आप, लिटमस पेपर या फिर कोई और इंडिकेटर की हेल्प से आप टेस्ट करेंगे, तो बिना टेस्ट किए हुए आप अपना आंसर नहीं देंगे। यू आर इन द डार्क विद इट्स टेस्ट, और आप अंधेरे में हो इसके टेस्ट की वजह से, ठीक है, क्योंकि हमें पता है जो बिटर टेस्ट के होते हैं उनमें बेस होता है, लेकिन हमें यहाँ पर बोला गया कि बिना टेस्ट किया आप आंसर नहीं दे सकते हो। एक्टिविटी 5.4, द टीचर इज रिक्वेस्टेड टू गेट द फॉलोइंग डाइल्यूट केमिकल्स फ्रॉम हिज और हर स्कूल लेबोरेटरी और फ्रॉम अ नियर बाय स्कूल। तो टीचर्स को क्या करना है, यहाँ पर ये जो एसेट्स दिए गए हैं इनको, केमिकल्स जो दिए गए हैं इनको लेके आना है स्कूल की लेबोरेटरी से या फिर किसी नियर बाय स्कूल से, लेकर ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। जैसे क्या क्या है इसमें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिडिक एसिड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि जो लाइम वाटर होता है हमारा वो सब। उसके बाद डेमोन्स्ट्रेट द इफेक्ट ऑफ द थ्री इंडिकेटर्स ऑन ईच ऑफ द सोल्यूशन, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। उसके बाद क्या करना है, जो तीन इंडिकेटर्स के बारे में आपने पढ़ा उनसे ये टेस्ट करना है कि क्या ये एसिड है या बेसिस है, ठीक है। लिटमस, जैसे लिटमस पेपर पर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का क्या इफेक्ट पड़ा, और टर्मेरिक हल्दी के पेपर पर क्या प्रभाव पड़ा, और चाइना रोज का जो सोल्यूशन है उस पर क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ पर आप एक करके लिखेंगे। आर यू फैमिलियर विद द टर्म एसिड रेन। तो क्या कभी आपने एसिड रेन के बारे में सुना है, अम्ल वर्षा के बारे में आपने सुना है। घर में भी कहते होंगे कि पता नहीं बारिश के साथ क्या आ रहा है, एसिड जैसा है ना। हैव यू एवर हेयर्ड अबाउट डैमेजिंग इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। तो क्या आपने कभी सुना है कि एसिड रेन के क्या क्या डैमेजिंग इफेक्ट, यानी कि हानिकारक प्रभाव क्या क्या है। एज द नेम इंडिकेट्स द रेन कंटेनिंग एक्सेस ऑफ एसिड्स इज कॉल्ड एन एसिड रेन। तो
ऐसी बारिश जिसमें जिसकी जिसमें जो पानी की बूंदों में ज्यादा ज्यादा एसिड होता है, बहुत ज्यादा एसिड की मात्रा होती है, उसको हम कहते हैं एसिड रेन। वेयर डू दीज एसिड्स कम फ्रॉम? तो ये एसिड्स आखिर हमारी बारिश में कहाँ से आ गए? द रेन बिकम्स एसिडिक बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड विच आर रिलीज इन टू द एयर एज पॉल्यूटेंट्स डिसॉल्व इन द रेन ड्रॉप्स टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड रिस्पेक्टिवली। तो बारिश का जो पानी होता है उसमें जो एसिड होते हैं वो कहाँ से जाते हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सल्फ्यूरिक सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, जो भी ये पॉल्यूटेंट्स हैं, प्रदूषक हैं, ये हमारे वायुमंडल में चले जाते हैं। और जो फिर ये हमारे जो रेन बारिश का जो पानी होता है उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं? एसिड्स बना लेते हैं, जैसे कि कार्बोनिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ऐसे बना लेंगे। एसिड रेन कैन कॉज डैमेज टू बिल्डिंग्स, और जो इमारतें होती हैं उनको नुकसान हो सकता है। हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, जो ऐतिहासिक इमारतें होती हैं और जो बड़े बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, और प्लांट और एनिमल्स और पौधों को और जानवरों को भी नुकसान पहुंचाती है। कॉशन, क्या कॉशन है, चेतावनी क्या है? ग्रेट केयर शुड बी टेकन व्हाइल हैंडलिंग लेबोरेटरी एसिड एंड बेसिस बिकॉज दीज आर कोरोसिव इन नेचर, इरिटेटिंग एंड हार्मफुल टू स्किन। तो जब आप लेबोरेटरी में एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं किसी एसिड या बेस के साथ, तो आपको बहुत अच्छे से सावधानी पूर्वक उनको पकड़ना है, क्योंकि अगर आपकी स्किन पर वो चले गए तो फिर क्या हो सकता है, इरिटेशन वगैरह यानी कि खुजली वगैरह आपको हो सकती है, ठीक है, जलन वगैरह आपको हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस के बारे में। वी हैव लर्नड दैट एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर रेड एंड बेसिस टर्न रेड लिटमस ब्लू। तो हमने क्या पढ़ा कि एसिड जो होते हैं ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, लाल कर देते हैं, और जो बेसिस होती हैं, जो क्षार होते हैं, वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एसिड्स होते हैं वो टर्न ब्लू लिटमस को किस में टर्न कर देते हैं? रेड में। और जो बेसिस होती हैं वो रेड लिटमस को किस में टर्न कर देती है? ब्लू में, ठीक है। लेट अस सी व्हाट हैपन व्हेन एन एसिड इज मिक्स विद अ बेस। तो सोचिए जरा, कभी अगर हम किसी एसिड को किसी बेस से मिक्स कर देंगे तो फिर क्या होगा? वी आर गोइंग टू यूज एन इंडिकेटर यू हैव नॉट यूज सो फार। अब हम एक नए इंडिकेटर का यूज करेंगे, इट इज कॉल्ड फिनोप्थलीन। और इंडिकेटर का नाम क्या है? इंडिकेटर का नाम है फिनोप्थलीन, एक्टिविटी 5.5। तो यहाँ पर हम एक नए इंडिकेटर का यूज कर रहे हैं जिसका नाम है फिनोप्थलीन, टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। तो ये जो एक्टिविटी आपके टीचर आपको दिखाएंगे क्लास में करके दिखाएंगे, फिल 1/4 ऑफ द टेस्ट ट्यूब विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको टेस्ट ट्यूब में क्या डालना है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है। नोट डाउन इट्स कलर, का कलर भी नोट करना है पहले। नोट डाउन द कलर ऑफ फिनोप्थलीन, और फिनोप्थलीन का कलर भी नोट कीजिए सॉल्वेंट, ठीक है। एड 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ द इंडिकेटर टू द एसिड। फिर आपने जो टेस्ट ट्यूब में एसिड डाला था उस पर आप इंडिकेटर की 2 से 3 बूंदें डालेंगे। नाउ शेक द टेस्ट ट्यूब जेंटली, फिर अच्छे से बड़े आराम से आपको टेस्ट ट्यूब को हिलाना है। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द कलर ऑफ द एसिड? तो क्या एसिड के कलर में जब आपने इंडिकेटर डाला कोई चेंज हुआ? एड द एसिडिक सोल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ एड टू द एसिडिक सोल्यूशन अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बाय अ ड्रॉपर। तो जब आप क्या करेंगे, आपने एसिड में कोई इंडिकेटर मिलाया होगा फिनोप्थलीन, उसके कलर में चेंज हुआ होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, उस सॉल्यूशन में फिर से आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन मिलाना है ड्रॉपर की हेल्प से, ठीक है। स्टिर द ट्यूब जेंटली, फिर अच्छे से टेस्ट ट्यूब को हिलाना है। इज देयर एनी चेंज इन द कलर ऑफ द सॉल्यूशन? क्या जो सॉल्यूशन है उसके कलर में चेंज हुआ? तो जो सॉल्यूशन था वो फिर से पहले जैसा हो गया। जब हमने एसिड डाला होगा तो उसके कलर में चेंज, एसिड में कोई हमने इंडिकेटर डाला उसके कलर में चेंज हुआ होगा ना इंडिकेटर की वजह से। तो उसके बाद हमने क्या किया, बेसिक सॉल्यूशन डाला, उसके बाद जो कलर होगा वो पहले जैसा हो गया होगा। कंटिन्यू एडिंग द सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप व्हाइल स्टिरिंग, द पिंक कलर जस्ट अपीयर, ठीक है। तो जब तक वो पिंक कलर ना हो जाए हमको डालते रहना है सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाउ एड 1 more ड्रॉप ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर से आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालना है। What do you observe? The solution again becomes colorless. तो एसिड डालने से फिर से वो सोल्यूशन कैसा हो गया, कलरलेस, रंगहीन हो गया। अगेन एड 1 drop ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन, फिर से आपको क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड की सोल्यूशन की ड्रॉप आपको डालनी है। इज देर एनी चेंज इन द कलर?
क्या फिर से कोई चेंज हुआ? द सोल्यूशन अगेन बिकम्स पिंक इन कलर, तो सोल्यूशन फिर से कैसा हो गया? पिंक कलर का हो गया. दिस इज एविडेंट दैट व्हेन द सोल्यूशन इज बेसिक फिनोप्थेलिन गिव्स द पिंक कलर. तो जब फिनोप्थेलिन जो होता है, फिनोप्थेलिन इंडिकेटर जो होता है, बेसिक सोल्यूशन में कैसा कलर देता है? पिंक कलर देता है. ऑन द अदर हैंड व्हेन द सोल्यूशन इज एसिडिक इट रिमेन्स कलरलेस. और जब सोल्यूशन एसिडिक होता है तब फिनोप्थेलिन कैसा कलर देता है? कलरलेस. ठीक है, तो फिनोप्थेलिन एक इंडिकेटर है जिसका यूज हम किसी सब्सटेंस की नेचर को पहचानने में करते हैं कि क्या वो एसिडिक है या फिर बेसिक है. और पहचान कैसे करेंगे? जब हम बेसिक सॉल्यूशन में फिनोप्थेलिन को डालेंगे तो ये कैसा कलर देगा? पिंक कलर देगा. जैसे अगर हमने साबुन का जो घोल होता है वो बेसिक नेचर का होता है, उस पर अगर हम फिनोप्थेलिन डालेंगे तो उसका कलर पिंक हो जाएगा. वहीं अगर हम किसी एसिडिक सब्सटेंस में, जैसे मान लो हमने लिया नींबू का रस लिया, ठीक है, नींबू के रस में हमने फिनोप्थेलिन डाला, तो उसका कलर कोई भी चेंज नहीं होगा. ठीक है, इट रिमेन्स कलरलेस, वो कोई भी कलर नहीं देगा. चलिए, उसके बाद क्या होता है? व्हेन एन एसिडिक सॉल्यूशन इज मिक्स विद अ बेसिक सॉल्यूशन, जब किसी एसिडिक सॉल्यूशन को किसी बेसिक सॉल्यूशन से मिक्स किया जाता है, बोथ द सॉल्यूशन न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ ईच अदर. तो दोनों ही सॉल्यूशन एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर दे रहे थे. ऊपर हमने देखा ना कि जो एसिडिक सॉल्यूशन में अगर हम फिनोप्थेलिन डाल रहे थे उस पर कोई कलर चेंज नहीं हो रहा था, और जैसे ही फिर हम बेस डाल रहे थे उसका कलर पिंक हो जा रहा था, और उसके बाद हमने फिर से एसिड डाला था तो पिंक कलर फिर से कलरलेस हो गया था, यानी कि उसका जो पिंक कलर है वो गायब हो गया था और कैसा हो गया था? वो कलरलेस. उसके बाद फिर से हमने क्या डाला था? बेसिक सॉल्यूशन डाला था, फिर से वो पिंक हो गया था. फिर हम एसिडिक सॉल्यूशन डालेंगे, फिर वो कलरलेस हो जाएगा, यानी कि एसिड बेस एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर रहे हैं ना, एक एक के प्रभाव को काट रहे हैं और एक एक के प्रभाव को काट रहे हैं. व्हेन एन एसिड सॉल्यूशन एंड द बेस सॉल्यूशन आर मिक्स्ड इन सूटेबल अमाउंट, बोथ द एसिड नेचर, एसिडिक नेचर ऑफ द एसिड एंड द बेसिक नेचर ऑफ द बेसिक आर डिस्ट्रॉयड. तो क्या होता है, जब हम किसी एसिड और बेस की रिएक्शन कराते हैं तो दोनों का, वो एसिड का और बेस का जो नेचर होता है वो खत्म हो जाए, एक दूसरे के प्रभाव को वो खत्म कर देते हैं. द रिजल्टिंग सोल्यूशन इज नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक. तो जो सोल्यूशन हमको मिलेगा ना, जब हमने एसिड और बेस डाला, दोनों को मिक्स किया, तो जो सोल्यूशन हमें मिला वो उसका नेचर कैसा होगा? ना ही वो एसिडिक होगा और ना ही वो बेसिक होगा. क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि एसिड और बेस दोनों ने एक दूसरे के प्रभाव को खत्म कर दिया. ठीक है, टच द टेस्ट ट्यूब इमिडिएटली. फिर आप अगर आप ऐसी रिएक्शन कोई करते हैं, आपको टेस्ट ट्यूब को जल्दी से टच करना है, तो आप क्या फील करेंगे? व्हाट डू यू ऑब्जर्व? द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हीट इज ऑलवेज प्रोड्यूस. तो न्यूट्रलाइजेशन की जो रिएक्शन होती है, उदासीनीकरण की जो रिएक्शन होती है, उसमें हमेशा ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप टेस्ट ट्यूब को टच करेंगे तो आपको उसमें टेस्ट ट्यूब जो होगा वो गर्म लगेगा. ठीक है, द इवॉल्व हीट अराइजेज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर. तो जो रिएक्शन में जो मिक्सचर बना, जो सॉल्यूशन बना, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिस कारण जो टेस्ट ट्यूब है वो भी गर्म हो जाती है. इन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन अ न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. तो जो न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस है उसमें एक नया पदार्थ बनता है, दिस इज कॉल्ड सॉल्ट. उसको हम कहते हैं सॉल्ट, लवण. ठीक है, सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर. और जो सॉल्ट होता है वो किसी भी नेचर का हो सकता है, एसिडिक नेचर का भी हो सकता है, बेसिक नेचर का भी होता है और न्यूट्रल भी हो सकता है, यानी कि इसका कोई ना एसिडिक एसिड हो सकता है ना बेस हो सकता है. दस न्यूट्रलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज फॉलो. इसलिए हम न्यूट्रलाइजेशन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन. तो किसी भी एसिड और बेस के बीच की जो भी अभिक्रिया होती है उसको कहते हैं उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन. सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस इन दिस प्रोसेस विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट. तो इस प्रोसेस में क्या बनता है? एक तो सॉल्ट बनती है और वाटर बनता है और साथ में ऊष्मा भी निकलती है. ठीक है, एसिड जैसे यहाँ पर दिखाया गया, एसिड और इसके साथ रिएक्ट कर रहा है कोई भी बेस, तो क्या बनेगा? एक सॉल्ट बनेगा हमारा जो किसी भी नेचर का हो सकता है, और वाटर बनेगा और साथ में कुछ हीट भी निकलेगी, ऊष्मा निकलेगी. ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं. द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जांपल. यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है, जैसे हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि एसिड है हमें पता है, लेबोरेटरी एसिड है, और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं, और ये है हमारा बेस और ये हमारा एसिड. तो क्या बनता है? सोडियम क्लोराइड बनता है, नमक. ठीक है, सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर निकले बनेगा और साथ में कुछ हीट भी निकलेगी. ठीक है,
बूजो एडेड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू लाइम वाटर। बूजो ने क्या किया, जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है उसमें कुछ लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी मिला लिया। चूने का पानी किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता है, और ये तो एसिड है हमें पता है। विद द रिएक्शन मिक्सचर बिकम हॉटर कूल, तो क्या जो मिक्सचर हमें मिलेगा वो हॉट होगा या ठंडा होगा? तो हमें पता है कि जो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन होती है उसमें ऊष्मा भी निकलती है, जिससे जो मिक्सचर होता है वो गर्म हो जाता है क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो बूजो ने जब रिएक्शन करी होगी उसका जो मिक्सचर था वो गर्म हो गया होगा, ठीक है, हॉट हो गया होगा। चलिए अब हम जानेंगे कि क्या क्या न्यूट्रलाइजेशन के उदाहरण हैं हमारी डेली लाइफ में। तो आपने पढ़ा, आपने एड देखा होगा टीवी में कि एसिडिटी होती है तो इनो का यूज कीजिए, ठीक है। तो क्यों एसिडिटी होने पर हम इनो लेते हैं ये हम जानेंगे इस टॉपिक में। इनडाइजेशन यानी कि इनडाइजेशन का मतलब होता है जब आपका खाना नहीं पचता है, अपाचन कहते हैं जिसको, अपच। अवर स्टमक कंटेन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमारा हमारे पेट में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक होता है, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है, जो हमारे हमारे खाने को पचाने में हेल्प करता है। इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड, जो हमारे खाने को पचाने में हेल्प करता है, एज यू नो। हाँ, एज यू हैव लर्न इन चैप्टर टू, जैसे हमने चैप्टर टू में पढ़ा, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये क्या करता है, खाने को पचाने में हमारी हेल्प करता है, हमारे स्टमक की हेल्प करता है। बट टू मच ऑफ एसिड इन द स्टमक कॉजेज इनडाइजेशन, लेकिन क्या होता है अगर बहुत ज्यादा मात्रा में एसिड प्रोड्यूस हुआ हमारे स्टमक में, उससे क्या होता है, अपचन, इनडाइजेशन हो जाता है। समटाइम्स इनडाइजेशन इज पेनफुल, पेनफुल का मतलब होता है दर्दनाक, ठीक है। कभी कभी जो अपचन होता है उससे बहुत हमें पेन होता है। टू रिलीव इनडाइजेशन, तो इससे मुक्ति पाने के लिए या इससे छुटकारा पाने के लिए वी टेकन एंटासिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तब हम क्या लेते हैं, एंटासिड लेते हैं, प्रति अम्ल कहते हैं इसको हिंदी में। तो इनडाइजेशन की कंडीशन जो होती है उससे निपटने के लिए हम लेते हैं एंटासिड लेते हैं, ठीक है। एंटासिड क्यों लेंगे, ताकि ये किसी एसिड के प्रभाव को खत्म कर दें, सच एज जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटासिड है विच कंटेन्स मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसमें क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इट न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, ये क्या करता है, जो हमारे स्टमक में ज्यादा एसिड हो जाता है उससे उसके इफेक्ट को ये खत्म कर देता है। तो ये किसका एग्जाम्पल था, ये था न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस का एग्जाम्पल, ठीक है। जो हमारा इनो होता है उसमें भी बेस होता है, और वो बेस का क्या काम करता है, हमारे पेट में जो एसिड ज्यादा प्रोड्यूस हो जाता है, ज्यादा मात्रा में सिक्रेट हो जाता है, उसके इफेक्ट को वो न्यूट्रल कर देता है, इसलिए हम एसिडिटी होने पर इनो लेते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल है आंट बाइट यानी कि चींटी का डंक। चींटी जब काटती है तब क्या होता है, तो हमने अभी पढ़ा कि चींटी का जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, यानी कि एसिड होता है। व्हेन एन आंट बाइट, तो जब भी कोई चींटी आपको काटती है, इट इंजेक्ट्स द एसिड, एसिडिक लिक्विड यानी कि फॉर्मिक एसिड इनटू द स्किन। तो क्या करती है, ये हमारे स्किन पर एक एसिड छोड़ देती है, फॉर्मिक एसिड, चींटी के डंक में होता है फॉर्मिक एसिड। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा। तो हम कैसे ये जो एसिड है इसके इफेक्ट को कम कर सकते हैं, हमें पता है कि जो एसिड है उसके इफेक्ट को कम करता है बेस, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस हमने पढ़ी है, तो एसिड के प्रभाव को क्या कम कर रहा है, बेस कम कर दे रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब भी कोई चींटी वगैरह हमें काटती है तो हम हमारे जहाँ पर काटा होता वहाँ पर हम क्या रब कर देते हैं, बेकिंग सोडा का सोल्यूशन रब कर सकते हैं, यानी कि जो खाने का सोडा होता है उसको रब कर सकते हैं, और कैल्शियम सोल्यूशन, चूने का जो पानी, कैलामाइन सोल्यूशन जो होता है चूने का पानी, उसको रब कर सकते हैं, विच कंटेन्स जिंक कार्बोनेट, ठीक है, जिसमें क्या होता है, जिंक कार्बोनेट होता है। तो एसिड के प्रभाव को खत्म करने के लिए हम किसका यूज कर रहे हैं, बेस का यूज करते हैं। चलिए अगला एग्जाम्पल है सॉयल ट्रीटमेंट यानी कि भूमि का उपचार कैसे किया जा सकता है, मिट्टी का, सॉयल का मतलब होता है मिट्टी और ट्रीटमेंट का मतलब होता है उपचार, ठीक है। एक्सेसिव यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स मेक द सॉयल एसिडिक, केमिकल फर्टिलाइजर्स उर्वरक, ठीक है, फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं ना खेत में पैदावार ज्यादा हो करके, तो ज्यादा मात्रा में फर्टिलाइजर्स यूज करने से क्या होता है, हमारी जो मिट्टी होती है वो एसिडिक हो जाती है, बहुत ज्यादा अम्लीय हो जाती है। प्लांट्स डू नॉट ग्रो वेल व्हेन द सॉइल इज आइदर टू एसिडिक और टू बेसिक, तो जो प्लांट्स होते हैं वो ना ही ज्यादा एसिडिक कंडीशन में ग्रो हो पाते हैं, ना ही ज्यादा बेसिक कंडीशन में ग्रो हो पाते हैं, उनको एक
नॉर्मल कंडीशन चाहिए होती है इन सब के लिए, ग्रो होने के लिए. बेंट सॉइल इज टू एसिडिक. तो जब जो सॉइल होती है, जो मिट्टी है, बहुत ज़्यादा एसिडिक होती है, इट इज ट्रीटेड विद बेसिस. तो हम क्या करेंगे, कोई बेस ही तो डालेंगे सॉइल में, ठीक है. तो इट इज ट्रीटेड विद बेसिस लाइक क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और स्लैग लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. तो हम क्या करते हैं, जब मिट्टी बेसिक होती है, सॉरी एसिडिक होती है, जब मिट्टी अम्लीय होती है, तो हम उसमें कोई बेस डालते हैं ताकि जो एसिड है उसका प्रभाव खत्म हो जाए. इफ द सॉइल इज बेसिक, अगर सॉइल बेसिक है, ऑर्गेनिक मैटर इज एडेड टू इट, तब हम क्या करते हैं, कोई ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं, जैसे कि हमारा खाद, जो मैन्योर होती है वो ऑर्गेनिक होती है, ठीक है, खाद गोबर. क्योंकि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है रिलीजेज एसिड विच न्यूट्रलाइजेज द बेसिक नेचर ऑफ द सॉइल. ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो एसिड्स बनाता है, एसिड रिलीज करता है जो बेस के प्रभाव को न्यूट्रल कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है. तो ये भी एक एग्जाम्पल था न्यूट्रलाइजेशन का. फिर है फैक्ट्री वेस्टेज, यानी कि जो फैक्ट्री से वेस्ट निकलता है उसमें बहुत हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं ना, कैसे हम उनको न्यूट्रलाइज करेंगे, देखिए. द वेस्टेज ऑफ मैनी फैक्ट्रीज कंटेन एसिड. तो बहुत सी फैक्ट्री के जो वेस्टेज होते हैं वो एसिडिक होते हैं, ठीक है. उसमें क्या होता है, बहुत सारे एसिड्स होते हैं. इफ दे आर अलाउड टू फ्लो इन टू द वाटर बॉडीज द एसिड विल किल फिश और एन अदर ऑर्गेनिज्म. तो अगर उस वाटर को, उस पानी को एसिड के साथ ही हम क्या करेंगे, वाटर बॉडीज जैसे नदी है, तालाब है, उनमें छोड़ देंगे, तो क्या होगा, जो नदी में या पानी में हमारे जो जीव हैं, जैसे फिश है और भी दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी कि दूसरे जीव हैं, वो मर जाएंगे. द फैक्ट्री वेस्टेज आर देयरफॉर न्यूट्रलाइज्ड बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंस. इसलिए क्या किया जाता है, फैक्ट्री का जो भी वेस्ट होता है उसको नदियों में छोड़ने से पहले उसको न्यूट्रलाइज किया जाता है, उसमें क्या ऐड करके, बेस ऐड करके, क्योंकि जो फैक्ट्री का वेस्ट होता है उसमें एसिड होता है, और एसिड को के प्रभाव को हम तभी खत्म कर सकते हैं जब हम उसमें क्या डालेंगे, बेस डालेंगे. हाँ, तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है, अब हम समरी देख लेते हैं इसकी. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर था. एसिड्स आर सोर इन टेस्ट. तो जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं. बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच. और जो हमारे क्षार होते हैं वो कड़वे होते हैं और छूने पर कैसे लगते हैं, साबुन जैसे लगते हैं. एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस रेड. और जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, साथ में जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को नीला कर देते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अम्ल होते हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, और साथ में जो बेसिस होते हैं वो रेड लिटमस को ब्लू कर देते हैं. उल्टा हो रहा है, ठीक है. आप एक चीज़ याद कर लीजिए, आपको दूसरा आपको याद हो जाएगा, ठीक है. दूसरा क्योंकि बिल्कुल उसका उल्टा है. सब्सटेंसेज विच आर नाइदर एसिडिक नॉट बेसिक आर कॉल्ड न्यूट्रल. तो ऐसे पदार्थ जो ना ही एसिडिक होते हैं नेचर में, ना ही बेसिक होते हैं, उनको हम कहते हैं न्यूट्रल, उदासीन. सॉल्यूशंस ऑफ सब्सटेंसेज दैट शो डिफरेंट कलर इन एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन आर कॉल्ड इंडिकेटर. तो ऐसे सब्सटेंसेज के सॉल्यूशन जो अलग अलग सब्सटेंस होते हैं उनके सॉल्यूशन में अलग अलग कलर देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं, सूचक कहते हैं, ठीक है. जैसे क्या क्या सूचक थे, हमने नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ा था, टर्मेरिक था, लिटमस था, और चाइना रोज था, इनकी गुड़हल था, और एक और इंडिकेटर के बारे में हमने पढ़ा था, फिनोक्लीन, ठीक है. तो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स वो होते हैं जो अपने कलर में चेंज करके क्या बताते हैं, किसी सब्सटेंस की एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल प्रॉपर्टी को या उनके नेचर को बताते हैं. एन एसिड एंड अ बेस न्यूट्रलाइजेस ईच अदर एंड फॉर्म सॉल्ट. तो एक एसिड, एक अम्ल होता है और जो बेस होता है वो एक दूसरे के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, और क्या बनता है इस रिएक्शन में, सॉल्ट बनता है और वाटर बनता है, और साथ में कुछ हीट भी निकलती है. अ सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर. और जो सॉल्ट बनता है वो एसिडिक नेचर का भी हो सकता है, यानी कि वो अम्ल भी हो सकता है, बेसिक नेचर का भी हो सकता है, और न्यूट्रल भी हो सकता है. तो चैप्टर कंप्लीट हो गया है. अगर आपको वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ लाइक करें. इससे आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. थैंक यू.